आपका स्वागत है। मैं विवेक गुंजा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं पद्मश्री श्रीमती कल्पना सरोज जी से। देशन के बारे में बहुत जानता है, इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मालूम नहीं तो आज इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कभी जिंदगी में डिप्रेशन आएगा नहीं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपके आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे देश के लिए, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कई लोगों को आपके बारे में आज तक मालूम नहीं है। पर मैं चाहता हूँ आज आपके कुछ बचपन से शुरुआत करें, तो थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी हमारे लिए। एक्चुअली मैं विदर्भ से हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट में। मेरे पिताजी पुलिस हवलदार थे और पिताजी चाहते थे कि मैं मैट्रिक तक पढ़ूं, लेकिन सातवीं क्लास में ही जब मैं थी तो मामा जी इनको पकड़ के ले गया, बोला नहीं अब बस हो गया, पढ़कर करना क्या है, चूल्हा चक्की वही तो करना है, इसके अलावा लड़कियों को करना क्या। और फिर वैसे भी लड़की को घर में रखने का मतलब यह है कि जहर की पुड़ियों को घर में रखने के मतलब। तो इस तरह से लड़की को मामा जी ने कहा, तो इसलिए मामा के दबाव में मेरे बाबा को आना पड़ा और मेरी शादी होगी। यहाँ आए तो फिर देखा ना तो कोई, हम लोग तो पुलिस क्वार्टर में रहते थे तो साफ सुथरे और अच्छे, कम से कम अच्छे घर होते थे। यहाँ आने के बाद झोपड़पट्टी हमने पहली बार देखी, मुंबई में झोपड़पट्टी की होती है, काफी रोई थी मैं उसको, बड़ा दुख हुआ था कि ये क्या हुआ। लेकिन बचपन से ऐसे संस्कार है ना, जहाँ ब्याह करके जाओ तो उसको निभाना है, घर निकाल दो, तो सोच लिया यही तकदीर है किसी को। उनका व्यवहार अच्छा करते पति तो फिर भी स्टार्टिंग में ठीक ही थे, लेकिन उनके घर के जो लोग थे, जो जठानी जेठ जिसको कहा जाएगा, तो वो बड़े ही अजीब से लोग थे, क्योंकि वो ये देखते थे कि जब जो बहू घर में आई है वो यानी कि नौकरानी आई हुई है, ससुर जी जेठ जठानी और उनके 5-6 बच्चे और हम दो, तो इतने सारे लोगों का मुझे खाना बनाना है। अब जाहिर सी बात है कभी नमक कम हो गया कभी मिर्ची ज्यादा हो गई, तो बस इतनी छोटी सी बात से वो औरत मुझे बेतहाशा मारती, क्योंकि हर कदम पे सारे रिश्तेदार सारे अड़ोसी पड़ोसी उनको सुना रहे हैं कि किस तरह की बेटी है तेरी, तो फिर मैं ऐसी जिंदगी क्यों जीऊं, ना तो मैं भाभी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती हूँ, ना ससुराल जा सकती हूँ, ना मैके में रह सकती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। और फिर मैंने पॉजिटिव दिया तो हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया, और मुझे बचना था, शायद मैं बच गई 24 घंटे तक, होश आ गया। होश आने के बाद में लोग जब मुझे मिलने के लिए आने लगे तो हमदर्दी किसी के भी आंखों में नहीं थी, कि कितनी बुरी बात है कि मैं हार गई हूँ, थक गई हूँ, इसीलिए मैंने मरने की कोशिश की है। लेकिन लोग आज भी हमदर्दी से बात नहीं कर रहे, लोग ये कह रहे हैं कि जरूर उसने ऐसा कोई काम किया होगा। तो फिर मेरे दिल दिमाग में ऐसे आए कि ठीक है, अगर कुछ करके मरना है तो कुछ करके जी लेंगे ना। उस दिन से मैंने समाज को दुनिया को करके दिखाऊंगी। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे मुंबई भेज दो। प्रयास बहुत किया, बहुत मुंबई आए। मैंने कहा मुझे मुंबई भेजो, बाबा फिर तैयार नहीं थे, क्योंकि मुंबई कैसे भेजेंगे, एक जवान लड़की है, मुंबई कहाँ भेजे और क्यों भेजे, मुंबई जाके तो ये इतना सारा झमेला हो गया, फिर मुंबई क्यों भेजे। कितनी उम्र में आप आई मुंबई? मैं यही कोई 16 साल की उम्र में मुंबई आई, तो मैं यहाँ आई, तो मेरे चाचा यहाँ रहते थे, तो दादर में दादर स्टेशन के नीचे रेलवे क्वार्टर्स थे, तो वहां पर वो पापड़ बेचने जाते थे। तो फिर उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं तो नौकरी के लिए आई हूँ, क्या करना, क्या क्या जानती हो काम के बारे में, मैं सिलाई जानती हूँ। तो फिर वो लोग मुझे लोअर परेल में सनमिल कंपाउंड में एक फैक्ट्री थी वहां पर मुझे काम पे लगाया उन्होंने। डर के मारे जो मैं अच्छी कारीगर थी उसके बावजूद भी मशीनों से नहीं चल रही थी, तो हेड थे वहां के वो डांट दी मुझे पूरी तरह से, कहने लगे आता कुछ नहीं, खुद को कारीगर बोल रही हो, चलो हटो तुम्हारा काम नहीं है, तुम भागो यहाँ से। फिर मुझे रोना आ गया, मैंने हाथ पांव जोड़ के बोला कि नहीं नहीं मुझे काम दे दीजिए प्लीज। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है वो हेल्पर का काम है वहाँ, लड़कियां देखो देख रहे हो ना धागे काट रहे, वो आएगा तुमको। मैंने कहा हाँ वो मैं कर लूंगी। तो वो था मेरे जिंदगी का 2 रुपए रोज, 60 रुपए महीना वो चल ही रहा था। उसी बीच बहन बीमार हो गई, और बहन बीमार हो गई तो उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, और देखते ही देखते वो मर गई। और फिर मैं इतनी बदनसीब की मैं यही कोई 2-2.5 हजार रुपए की जरूरत थी। तब इसी बीच मैंने सुना कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जहाँ बेरोजगारों को लोन दिया जाता है उस स्कीम के थ्रू। हमने कहा 10 हजार रुपए तो अपने को करीबन ऑफिसरों को देना पड़ेगा, 50 में से 10 इनको देंगे तो 40 में मैं क्या करूंगी, और फिर इंटरेस्ट भी मुझे भरना है तो मुझे नहीं चाहिए इस तरह का लोन, मैंने मना कर दिया। फिर वहां पर एक बैठा हुआ आदमी था तो उसको शायद मुझ पे दया आई पता नहीं क्या,
तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से क्या होता है। फिर वो मुझे पंचायत समिति लेकर गया, उसमें बताया कि यहाँ पे ये ऑफिसर फला दिन आते हैं, जैसे बुधवार को आते हैं, फ्राइडे को, शुक्रवार को आते हैं, तो इनसे मिलके आप बताइएगा आपको क्या करना है। फिर मैंने बताया, फिर उन्होंने पेपर वर्क बताया मुझे कि क्या क्या पेपर चाहिए होते हैं लोन के लिए। वो पेपर बनाने में भी काफी समय गया, सारे पेपर्स मैंने बना के उसको भी करीबन इतना ही 1.5-2 साल मेरा गया, लेकिन मुझे लोन मिल गया, 50,000 का लोन मिल गया। तो समाज सेवा आप शुरू में बचपन से ही करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर रियल एस्टेट में चले गए, और उसके बाद कमाई क्यों आया? जी, तो एक शख्स की जमीन थी वहां के कल्याण में जो लिटिगेशन में थी, जिसकी वजह से वो बिक नहीं पा रही थी, कोई खरीद नहीं पा रहा था उसको। वो शख्स एक दिन मेरे पास आया और यूं ही रोने लगा कि देखो ना मेरी जमीन है लेकिन कोई ले नहीं रहा, और मुझे बहुत सख्त जरूरत है 1,00,000 रुपए की। उसको 1,00,000 रुपए मैंने दिए, तो उसने वो जमीन मुझे लिख के दे दी। तो उसका 7-12 ये वो जब मेरे पास आया तो देखा तो उसके ऊपर कुल है, सीलिंग है, तो मैं बोला इसका क्या करूंगी। तो डिप्टी कलेक्टर वगैरह मेरे अच्छे रिलेशन हो गए थे, तो मैंने उनको दिखाया, मेरे साहब ये देखो ये प्लॉट मेरे पास आया। बोला किसी काम का नहीं है तुम्हारे, कहा कि इसके ऊपर सीलिंग लगा हुआ है जो उसको सीलिंग निकालना पड़ेगा, और इसका कुल लगा हुआ है, तो जब तक ये कुल नहीं निकलेगा ये जमीन किसी भी काम की नहीं है। तो उसको क्लियर करते करते करीबन 1.5-2 साल मुझे लग गए, मतलब आसान नहीं था। जैसे क्लियर हो गई तो 2.5 लाख की जमीन 50 लाख की हो गई। वाह, अच्छा। वहाँ के लोकल गुंडा और लोकल लोगों के दिमाग में आ गया कि एक लेडीज और वो भी दलित, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर मुझे मारने की सुपारी दी गई, पुलिस ने जो भी कार्रवाई करना था किया। बहुत हिम्मत थी आपने, अकेले आप बहुत हिम्मतों में आप खड़े, उसके बाद आप डेवलप कर पाए बिल्डिंग? बिल्कुल, उसमें डेवलप कर पाए, फिर उसमें मैंने 4.5 करोड़ रुपया कमाए। मैं आपको रोक के अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बिल्कुल, कि आपने दलित समाज के लिए बहुत काम भी किया है जी, और दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आप अध्यक्ष भी नियुक्त करी गई थी जी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी बहुत तारीफ करी थी। मैंने उस वीडियो भी देखा था जहां मोदी जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जिंदगी में डिप्रेशन आ जाए या किसी को इतनी तकलीफ आए कि उसका सुसाइड करने का मन करे तो एक बार कल्पना जी का चेहरा देख लें और उनसे जाके उनसे बात कर लें तो कभी जिंदगी में आपका अंदर वापस सारी एनर्जी जोश जागृत हो जाएगा। कैसा लगा आपको मोदी जी ने आपकी इतनी तारीफ करी? जिनके भी कभी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक साधारण से पुलिस हवलदार की बेटी। देश के प्रधानमंत्री ने आपको हमारे देश की महिलाओं में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन माना, उसके बाद 2013 में आपको पद्मश्री भी मिला। जी, मुझे 2013 में पद्मश्री इसलिए मिला क्योंकि मैंने कमानो ट्यूब्स लिमिटेड जो एक सिख यूनिट था जो 25 साल से बंद पड़ा हुआ था, ऐसे इस कंपनी को मैंने डिपोर्ट किया। ये कमानो ट्यूब्स की थोड़ा स्टोरी अगर थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताएं हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसी कंपनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मालिक को बाजू में करके वर्कर्स को मालिक बना दिया, वर्कर चला नहीं पाए। कर्ज बहुत हो गया था इसमें, 116 करोड़ का कर्जा था उस समय, 116 करोड़। हाँ, वर्कर्स मेरे पास आए और कहने लगे कि ये लिक्विडेशन में चले जाएंगे और मैडम इसको बचा लीजिएगा। मैंने पहले तो ना कह दी थी, लेकिन उन्होंने जब कहा कि हमारे 93 वर्कर्स किस तरह से मरे, भूख प्यास से मरे, तो वो सारी बातें, 93 वर्कर्स ऑलरेडी मर चुके थे, तो मैंने कहा कि ओके ठीक है मैं देखती हूँ। मतलब व्यापार से ज्यादा आपके संस्कारों ने आपको मदद करी जी। आप लोगों की मदद करने के लिए घुस जाते थे और आपने ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाया। मैं इसको यहाँ रोकना चाहूंगा, 2 रुपए से 3,000 करोड़ तक की कहानी जिसको आप बिजनेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना चाहते हैं प्रोफेसर कल्पना सरोज जी से मिलने के लिए आप आइए हमारे बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे, और आज आप ही से मैम इंस्पायर होके हम ये गुड न्यूज सबको शेयर करना चाहते हैं कि महिलाओं को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्विकली शेयर करूं, 1.25 साल का एवरेज एज एजुकेशन आज हमारे देश के अंदर महिलाओं का, यानी कि नर्सरी से पढ़ाई शुरू हुई और केजी तक पढ़ाई खत्म। छोटे शहरों में, गाँव में, तालुका, तहसील नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा महिलाओं की पढ़ाई आज भी नहीं हो रही है। आज वुमेन पार्टिसिपेशन 3% से कम है इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, जबकि अमेरिका, यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाते हैं किसी कैपिटलिस्ट कंट्री में तो वो 70-75% का वुमेन पार्टिसिपेशन है। महिलाएं हमारे देश के अंदर जो 48% जनसंख्या है उनका पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।